ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाव से सफल परीक्षण किया। ये जानकारी नौसेना के अधिकारियों ने रविवार को दी। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल का परीक्षण समुद्र में नौसेना की मारक क्षमता और उसकी ताकत को दिखाता है। नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि नए गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस मोरमुगाव ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अपने पहले परीक्षण के दौरान सफलता से लक्ष्य को भेदा। आईएनएस मोरमुगाव भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज है। ये मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था और 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। जहाज को 18 दिसंबर 2022 को अभियान पर लगाया गया। नौसेना अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित जहाज और उसके हथियार प्रणाली आत्मनिर्भर और समुद्र में नौसेना की शक्ति का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि मिसाइल परीक्षण की जगह के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ये मिसाइल पनडुब्बी जहाज विमान या जमीनी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और ये मैक 2.8 की तेज रफ्तार के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। भारत ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। पिछले साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ मिसाइल की 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का सौदा किया था।